स्वाति, वेलकम बैक टू माय चैनल ही एंड शी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर दो प्याजा, जिसकी रेसिपी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने लिए हैं दो बड़े साइज के प्याज, एक शिमला मिर्च, दो टमाटर और 200 ग्राम पनीर। हमने पनीर और सब्जियाँ कट कर ली हैं। एक प्याज को मैंने फाइनली चॉप्ड किए हैं और अभी दूसरे प्याज की मैं ऐसे कलियाँ निकाल रही हूँ। पनीर दो प्याजा का नाम पनीर दो प्याजा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पनीर दो प्याजा में प्याज दो तरीके से डाले जाते हैं। पहला तरीका ये है कि हम प्याज को बहुत ही फाइनली चॉप्ड करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, और दूसरा तरीका है हम प्याज की कलियाँ डालते हैं। अब हमें अपनी गैस को ऑन करके पैन को चढ़ाना है और अब इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाली है इसमें। तेल को गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इसमें हम अपने कटे हुए पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को तेल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पनीर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये लाल ना दिखने लगे। तो हम अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हो, पनीर बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब इसमें प्याज की कलियाँ जाएंगी। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, पनीर दो प्याजा में प्याज के कच्चेपन का स्वाद रहता है और यही इसकी खासियत है पनीर दो प्याजा की। हार्डली हमें 1 मिनट तक पकाना है और फिर गैस को ऑफ कर देना है। अब मैं प्याज और पनीर जो हमने रोस्ट की है उसे मैं पैन से हटाकर एक प्लेट में रख रही हूँ और सेम पैन में मैं फिर से कुकिंग ऑयल ले रही। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत गर्म मसाले, 4-5 लौंग, थोड़े से इसमें दालचीनी, थोड़े से गोल मिर्च और इलायची। इसमें जाएगा चॉप्ड ओनियन। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लाल होने तक। एक तेज पत्ता डाल रही, साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैं स्किप कर गई आप लोगों को दिखाना, और हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसका फ्लेम लो करके अब हम कर लेते हैं मसाले की तैयारी। अब मैं एक बॉल में ले रही 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ऐसा करने से हमारे मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से फ्राई होते हैं। इधर प्याज भी फ्राई हो चुका है और अब इसमें जाएंगे कटे हुए टमाटर और कटी हुई शिमला मिर्च। इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही, आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएंगे मसाले जो मैंने पेस्ट बना रखी है मसाले के, वो इसमें अब ऐड कर रही। मसाले को थोड़ा सा फ्राई करना है और अब इसमें डालेंगे हम दही। तो मैंने ली है 1/2 कटोरी दही। दही ऐड करते ही हमें स्टिर करना है, इससे हमारी दही फटेगी नहीं और बहुत अच्छे से हम मसाले के साथ इसको फ्राई करेंगे। स्टिर करने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच करके हम इसे थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। आइए अब ढक्कन खोल के देखते हैं। सब्जियां और मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं और साइड से तेल भी छोड़ दिया है और अब इसमें जाएगा कस्तूरी मेथी। हम इस तरह से हाथों में रब करते हुए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी इसमें डालेंगे।
ग्रेवी के लिए मैंने इसमें पानी ऐड किए हैं। मैं इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड कर रही। अब मैं इसमें रोस्टेड पनीर डाल रही। मैं सिर्फ पनीर डाल रही, अभी मैं ओनियन अभी नहीं डाल रही, क्योंकि इससे हमारे प्याज बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पहले हम पनीर को इसमें डालेंगे और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ेंगे, जिससे पनीर हमारे सॉफ्ट हो जाए। अब हम ग्रेवी को थिक होने के लिए और पनीर को सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, ग्रेवी अच्छी बनी है, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है और इसकी थिकनेस जितनी चाहिए थी हमें मिल गई है। और अब इसमें जाएगा हमारा रोस्टेड प्याज। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे स्टर करते हुए, फ्लेम को लो रखना है। और अब इसमें जाएगा गार्निश करने के लिए कटे हुए मिर्च और कटी हुई फ्रेश धनिया। पनीर तो प्याजा रेडी हो गई है और अब हमें गैस को ऑफ कर देना है। इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ही एंड शी ब्लॉग्स। मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।